हेलो गाइस, मेरा नाम हनी सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल जिप्सी एक्सप्लोरर पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। वीडियो का टाइटल है जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स का नाम तो आपने पक्का सुना होगा। कर्नाटका की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि शिमोगा एंड उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर स्थित है। उत्तरा कन्नड़ा एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा टूरिज्म का रेवेन्यू इसी प्लेस से आता है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली इस प्लेस पर विजिट करते हैं। स्पेशली मानसून के टाइम पे तो विजिटर्स का आना बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के साथ जॉग फॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, जॉग फॉल्स जो है वो इंडिया का सेकंड नंबर वाला हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है आफ्टर नोकालिकाई वाटरफॉल्स। नोकालिकाई वाटरफॉल्स इंडिया का हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है जो कि मेघालय में स्थित है, जिसकी हाइट है लगभग 350 मीटर और इसकी हाइट है 253 मीटर। गाइस, प्लंज वाटरफॉल का मतलब होता है कि एक ऐसा वाटरफॉल जो माउंटेन से नीचे गिरता है और माउंटेन के बाद वो नीचे गिरने तक माउंटेन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता, उसको कहा जाता है प्लंज वाटरफॉल। और जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाटरफॉल्स होते हैं ना, उसको भी बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये जॉग फॉल्स है, जॉग फॉल्स वाटरफॉल में भी बहुत सारी कैटेगरी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तो मैंने कहा प्लंज वाटरफॉल, लेकिन इसको टायर्ड वाटरफॉल भी कहा जाता है। टायर का मतलब होता है कि एक ही वाटरफॉल, मतलब एक नदी आ रही है, जब वो नीचे गिरती है तो वो अलग अलग धाराओं में गिरती है और पर्टिकुलर धाराओं को टायर कहा जाता है। जैसे इस जॉग फॉल्स की चार प्रमुख टायर हैं जो पूरे साल भर बहती हैं। वॉल्यूम का कम ज़्यादा होना वो अलग बात है। जैसे जो सबसे हाईएस्ट टायर है उसको कहा जाता है राजा, दूसरा का नाम है, थोड़ी सी छोटी टायर है उसको रोवर, तीसरी टायर का नाम है रानी और चौथी टायर का नाम है रॉकेट। इस तरह जॉग फॉल्स की चार प्रमुख धाराएं हैं। तो इस तरह इस वाटरफॉल को टायर्ड वाटरफॉल और प्लंज वाटरफॉल की कैटेगरी में लाया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये वाटरफॉल शरावती रिवर पे बना है और शरावती रिवर अम्बुतीर्था जो कि तीर्थहल्ली तालुका ऑफ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ओरिजिन होती है। लगभग 60 किलोमीटर के बाद ये जॉग फॉल्स क्रिएट करती है और जॉग फॉल्स से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लिंगनमक्की डैम स्थित है। और जॉग फॉल्स का फ्लो कितना होगा ये लिंगनामक्की डैम पे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मानसून के टाइम पे जब लिंगनामक्की डैम पूरा फ्लो हो जाता है तो डैम्स को खोल दिया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में पानी, बहुत बड़े वॉल्यूम में जॉग फॉल्स फ्लो करता है। और जितनी चार टायर हैं, राजा, रानी, रोवर एंड रॉकेट, ये आपस में जुड़ जाती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में एक फॉल को क्रिएट करती हैं। आप इसको नायग्रा फॉल से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब मॉनसून के टाइम पे इसका जो कैटेगरी बदल गया, अब इसकी जो चार टायर थी वो सब छुप गई और एक बड़ी बड़े फ्लो में जो फ्लो कर रहा है। तो इस तरह के फ्लो को आप एक अलग कैटेगरी दे सकते हो जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट वाटरफॉल। कैटरेक्ट वाटरफॉल को कहा सकते हैं कि एक बड़ा वाटरफॉल जहाँ पूरी की पूरी नदी ही बह के नीचे गिरती है हाइट से। जॉग फॉल्स पूरे कर्नाटका का हाईएस्ट फ्री फॉलिंग वाटरफॉल है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो ये 36 नंबर पे आता है फ्री फॉलिंग कैटेगरी में। और अगर हम टोटल हाइट की बात करें, मतलब कैटेगरी वगैरह सब छोड़ दें, टॉप से बॉटम की बात करें, तो जॉग फॉल्स की टोटल हाइट है 253 मीटर और पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग आती है 490th नंबर पे। और कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटका में ये तीसरे नंबर पे आता है अगर हम हाइट की बात करें। पहले नंबर पे आता है कुंजिकल वाटरफॉल जो कि उडुपी एंड शिमोगा बॉर्डर पे स्थित है, एंड दूसरे नंबर पे आता है बारकना वाटरफॉल जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लेकिन ये दोनों वाटरफॉल फ्री फॉलिंग वाटरफॉल नहीं है। जैसे कुंचिकल वाटरफॉल जो कि कैस्केड कैटेगरी में आता है, कैस्केड कैटेगरी का मतलब होता है कि ये वाटरफॉल माउंटेन के साथ कॉन्टैक्ट रख के फ्लो करता है और स्टेप्स में साथ फ्लो करता है इसका वाटर। और जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो वाराही रिवर के ऊपर बना हुआ है, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। और दूसरा है बारकना वाटरफॉल जो कि सीथा रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये भी एक साइलेंट वाटरफॉल है, इतना बड़ा फ्लो इस वाटरफॉल में देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों वाटरफॉल इतने फेमस नहीं है। इवन कुंचिकल वाटरफॉल को तो पूरी तरह रोक ही दिया गया है, जो डैम बना है, चक्रा डैम बना है इसके पास, तो पूरी तरह इस वाटरफॉल को रोक दिया गया है, सिर्फ मानसून के टाइम पर ही आप देख सकते हैं इस वाटरफॉल को। तो चलिए बात करते हैं जॉग फॉल्स की। जॉग फॉल्स को देखने के लिए यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने 1400 स्टेप्स बनाए हैं इसके ऑपोजिट साइड में, मतलब आप नीचे तक जा सकते हो इसके बॉटम तक, ताकि जो आप सामने वाटरफॉल्स का व्यू देख सको। लेकिन मानसून के टाइम पे ये स्टेप्स क्लोज कर दिए जाते हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि वाटर का जो फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि जो
सामने जो वाटर ड्रॉपलेट्स है बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं फॉग के रूप में, तो एक फॉग छा जाती है, इसलिए वो बंद कर दे जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको जॉग फॉल्स में ट्रैवल करना है, मतलब कहीं और प्लेस से जॉग फॉल्स जाना है, तो आप दो रूट ले सकते हो, रेलवे और बस। रेलवे का रूट मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जॉग फॉल्स के जो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है वो तालगुप्पा रेलवे स्टेशन। तालगुप्पा रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन है जिसकी जिसके रूट में मालगुड़ी रेलवे स्टेशन आता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। और बेंगलोर से जब आप अरसीकेरे तक आते हो, तो अरसीकेरे से एक लाइन अलग होके एक मलनाड मतलब वेस्टर्न गार्ड्स की श्रेणी में आ जाती है, और तालगुप्पा इसका आखिरी रेलवे स्टेशन है जहाँ से जॉग फॉल्स 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अदरवाइज आप बॉम्बे और केरला साइड से आ रहे हो तो आप कोकन रेलवे ले सकते हो, होनावर रेलवे स्टेशन से उतर के आप फिर वहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पे ये जॉग फॉल्स स्थित है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की और वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का जो कोटा है वो पूरा हो सके। थैंक यू।